हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे FCS सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो रिजल्ट डेट है वो निकल कर सामने आया है, यहाँ पे कंपनी ने सबमिट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग शेड्यूल किया गया है वो है मंडे फेब्रवरी 13 को। तो एज इन्वेस्टर आप ये डेट नोट करके रख लीजिए, यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आईटी सेक्टर में जो बेसिक जिस पे बातें चल रही थी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, आने वाले एक दो क्वार्टर के रिजल्ट पे डिपेंड करता है और उसी हिसाब से इसका प्राइस इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस बार का रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे जो मैंने पहले भी बताया था कि आपको डिलीवरी वॉल्यूम पर थोड़ा ध्यान देना होगा, देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा चेंजेस आया तो इसमें तेज़ी थी, उसके बाद से फिर से करेक्शन देखने को मिला और वापस से जो मैंने लेवल बताया था टू डेसिमल फोर फाइव से लेकर 2.50 तक कब अच्छा सपोर्ट है, वहीं पे अभी भी ये खड़ा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। ऊपर का जो टारगेट वापस से आप 2.65, 2.80 और फिर 3 रुपीज़ के टारगेट सेट कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है दोस्तों, शॉर्ट से मीडियम टर्म में। तो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएं। और अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल शेयर करता हूं, मार्केट मूवमेंट भी प्रेडिक्ट करता हूं। दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।